हेलो एवरीवन, आपके पॉलिटिकल करियर में मदद कर रहे हैं ऐसे कल को आपको फिर करण थापर को इंटरव्यू देना पड़ेगा। सो यू आर अ वेरी पॉपुलर फिगर इन यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री, सो विद पॉपुलैरिटी कम्स कॉन्ट्रोवर्सी। तो सर, देयर इज अ स्मॉल सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि सर आपके रियलिस्ट बातों की वजह से उनका एथिक्स का पेपर थोड़ा खराब हो। सर, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कहना यह चाहूंगा कि द्रोणाचार्य की तरह ग्राउंड में मत जाओ, जाओ कृष्ण की तरह। लड़ाई एकदम धार्मिक लड़ो, धर्म की लड़ाई, पर वो धर्म ऐसा हो कि तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो। तो इफ यू सी लॉर्ड कृष्ण इन द बैटल ऑफ महाभारत, तो ही हैज नेवर फॉलोड एनी अनइथिकल पाथ। हु सेज टू यू दैट ही फॉलोड एनी अनइथिकल पाथ? नेवर। इट वॉज इनिशियली स्टार्टेड बाय कौरवज, द किलिंग ऑफ अभिमन्यु by after uniting by all the warriors who were fighting with them, so they started, he replied, so tumhara ethics ka paper kabhi kharab hi nahi hoga agar tum practically unethical nahi ho, har kaam karo, constitutional criminal bano, constitutional criminal like for example America attacked Iraq 1991, so what was the cause given by America? WMD, usne ye thodi kaha ki yaar meri economy pe attack kar rahi hai। तो देर इज अ वर्ड कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल, इसकी अपील करता हूँ। सर, यू हैव ऑल द क्वालिटीज ऑफ मैकियावेलीज़ प्रिंस, फॉर एग्जाम्पल अपीयरिंग रिलीजियस इवन इफ यू आर नॉट। तो सर, कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप हम आपकी तरफ से क्यों नहीं देख रहे हैं टू बिकम अ प्रिंस? लाइक व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी आपकी? स्ट्रैटेजी नहीं है, टाइम। The most important factor in life is time. If Gandhi would have said quit India in 1922, he would have been badly beaten. Not only he would have badly beaten, the people in India would have been badly beaten. Handful people were standing. मैं आपको पिछले 12 क्लास में बस एक बात सिखा रहा था, बस एक, पढ़ाने तो मैं कभी आता ही नहीं। इसलिए आप ही बड़ी मस्ती से आते थे कि चलो मजा आया। If the subjects जो लोग स्लीपर में सफर करते हैं, द पीपल हू ट्रैवल इन स्लीपर क्लास, जनरल क्लास, किताबें वो भी पढ़ते हैं सर, दे ऑल्सो गो थ्रू द बुक्स, पर व्हाट आर द नेम ऑफ देयर बुक्स? सत्य कथा, मनोहर कहानियां। किताबें एक ऐसी चीज है जो दो काम करती हैं आपके ऊपर, बुक्स दे डू टू थिंग्स ऑन यू। फर्स्ट थिंग, दे आर द बेस्ट मीडियम ऑफ मेडिटेशन, क्योंकि उसकी रीजन बताता हूं, द बेस्ट मीडियम ऑफ मेडिटेशन आर द बुक्स। व्हेन यू रीड अ पैराग्राफ Without thinking, you will never be able to digest the paragraph. तो student को कोई और meditation करने की जरूरत ही नहीं। The simple thing you have to do, when you are reading a line, stop, there is a full stop. When you come to the second line, you connect first and second. The answer is there. But you are not trying to do it. तो 1942, when the entire nation was standing, then Gandhi says, quit India. There was only one incident of violence in 1922, Chauri Chaura. And on that issue, he says, I don't have any faith in violence. But in 1942, when entire India was burning, he says, I cannot say anything. This is the answer of the biggest violence committed by you for the past 200 years. So, main sirf samay ka intezaar kar raha hoon. Definitely. जितना भी एनलाइटेंड आदमी होगा, सेंट आई एम नॉट सेइंग, सेंट इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड, एनलाइटनमेंट जो है, इसलिए कभी कभी जब आप बहुत एनलाइटेंड आदमी के साथ रहते हो तो जैसे आपको लगता होगा कि यार ये तो बड़ा अजीब सा आदमी है, क्योंकि एनलाइटन मींस कि प्रैग्मेटिज्म, टाइम एंड पर्सनैलिटी। तो वो जैसे प्रीस्ट है, तो यू आर सेटिस्फाइड विद द प्रीस्टली क्लास बिकॉज दे एक्ट अकॉर्डिंग टू योर पैरामीटर। तुमको लगता है ना कि किसी प्रीस्ट को ऐसा होना चाहिए, सुबह 3 बजे उठना चाहिए, और वो 3 बजे उठता है, एंड यू थिंक द प्रीस्ट शुड गो टू द टेम्पल अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 AM, वो 4 बजे आता है, तो वो तुम्हारे इशारे पे चलता है, इसलिए तुम्हें अच्छा लगता है। ऑल दोज पीपल हु सेटिस्फाई योर ईगो, दे बेसिकली बिकम आइडियल फॉर यू। पर जहां पर कोई आदमी तुम्हारे ईगो को हर्ट करेगा, कोई एनलाइटेंड आदमी है, वो 9 बजे उठा, मंदिर में जाके लेटा हुआ है, तो तुम्हें बड़ी अजीब सी फीलिंग होगी,
कि तो जहां भी एनलाइटनमेंट है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट रियलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट एनलाइटनमेंट, वेयर एवर देयर इज, ऑल्दो आई डोंट नो whether गांधी वाज एनलाइटन or not, बट अप टू अ लेवल ही वाज वेरी मैच्योर. उनके जो डिसीजन है तुम देखो, शुरू से सारे डिसीजन देखो. यू सी द डिसीजन इन 1919, यू सी द डिसीजन व्हेन दिस कांग्रेस वाज मूविंग टुवर्ड्स डिविजन, स्वराजिस्ट एंड गांधीयट्स. मतलब वो आदमी 6 साल के लिए जेल में है, ही इज इनसाइड द जेल. 1922 ही वाज इम्प्रिजन्ड. उस आदमी को जेल में पता चलता है कि यार ये दोनों लड़ रहे हैं, स्वराजिस्ट एंड गांधीयट. एंड देन ही प्लेज सच अ गुड गेम व्हेन ही सेज इनसाइड द जेल की If anyone will try to create a trouble for the government, I will not bear him in Congress. मैं उसको कांग्रेस में नहीं रखूंगा. तो indirectly he was talking about whom? Swarajist. Because Swarajist were saying we will enter into the legislature, we will not allow the legislature to work. हम legislature को काम नहीं करने देंगे. कांग्रेस को बोला यार तो बड़ी अच्छी बात, अगर ये बाहर जाकर Swarajist को कांग्रेस से निकाल देगा तो कांग्रेस विल फेस द सेम सिचुएशन which they have faced in 1907. They released him in 1924 on the grounds of health. उसको 28 में निकलना था, इन्होंने 24 में छोड़ दिया. He comes out, he presides one and only session, Belgaum session. And there he says, the Swarajists are the true nationalists. Leader का मतलब ये होता है कि जो आदमी different ideology को साथ में लेकर चले and everyone is satisfied. इसलिए जैसे ही कोई leader सामने से हटता है, you'll see the division. जैसे बुद्ध गए, जैसे ही बुद्ध गए यूल सी ही न्याय महा, जैसे ही महावीर गए यूल सी स्वतंबराज एंड दिगंबराज, जैसे ही ये मोहम्मद साहब गए यूल सी शिया एंड सुन्नी. क्योंकि लीडरशिप का मतलब ही है, एनलाइटेड पर्सन का मतलब ही विल बी हाईली रियलिस्टिक. सर, आप बोलते हैं कि कोई कुछ भी बोले तो बस उसको मार डालो या फिर मुंह में पैसे डाल दो, तो सर क्या एनार्की और करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं? करप्शन इज द एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस. मैं किसी चीज को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि जब भी तुमसे कोई बोले, मैंने मार डालने के लिए भी कभी नहीं कहा. देखो तुम एक देखो, मेरी बहुत सारी बातों को मुझे पता है कि मेरी बहुत सारी बातों को बहुत सारे लोग बहुत रिवर्स फॉर्म में ले आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये तो मेरा चुनाव चिन्ह रहेगा, मतलब वो तो मतलब अगर मुझे भगवान घोषित कर रहा हो तो मैं शराब को कर दूं. एंड आई डोंट हैव एनी, और मैं इन सब चीजों को इतनी पब्लिकली बोलता हूं, इतनी पब्लिकली कि मतलब मैं कहीं भी बोलूंगा तो यू विल नॉट फाइंड मी मेकिंग एनी आइडियलिज्म इन अ पर्टिकुलर प्लेस. मैं किसी आइडियलिज्म को कभी नहीं प्रमोट करता. आई बिलीव इन लिविंग इन अ रियलिस्टिक वे, और शायद वो एक बहुत अच्छा रास्ता है. तो मैंने तुमसे ये कहा कि मैंने तुमसे एक बात और भी कही, अगर तुम साइड में साइड बाई साइड देखो तो मैंने कहा अवॉइड द पीपल यू बिलोंग टू एरिस्टोक्रेसी. मैंने तुमसे ये भी कहा पहला दिन अगर तुम्हें याद हो कि इफ यू किल अ रिक्शा वाला यू आर अ क्रिमिनल. When I was talking about a war, मैं तुमसे वॉर करने के लिए कहता हूं, लड़ाई करने के लिए तो कभी नहीं कहता. Both are very different. Fight and war, both are different. मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया क्लास में, if a person takes your notebook and throws on the fifth row, you go and sit there. क्योंकि अगर तुम उस बुक प्लेस के लिए लड़ते हो, that is a fight. Fight is always useless. तुम दो चीजों के लिए वॉर करो, एक डिग्निटी के लिए, भाई तुम्हारी वाइफ सड़क पर जा रही, किसी ने हाथ पकड़ लिया, फिर तो उतार दो, फिर तो उसको निर्वाण दे दो. और एक अगर 1000 करोड़ का मामला है, अगर तुम्हारे वहां बैठने से तुम्हारा 1000 करोड़ का घाटा हो रहा है, फिर तो उतार ही दो. तो ये मैं कह रहा हूं. दूसरी बात यह है कि करप्शन कुछ होता थोड़ी है. देयर इज नथिंग कॉल्ड करप्शन इन द वर्ल्ड. जब तुम आइडियली किसी चीज को बोलते हो ये नहीं करना चाहिए, करप्शन नहीं करना चाहिए, Whenever you will come to the top level, जैसे तुम कल IAS बनोगे तो तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ नहीं होगा. Everything will not be in your hand, because above you is legislature. तो तुम्हारे लिए फायदा यह है फिलहाल के लिए, तुम ही कुछ करोगे. जैसे तुमने कहा कि मतलब हमसे बहुत लोग कहते हैं कि आप राजनीति में जाएंगे, ये करेंगे, मैं तो प्रधानमंत्री तो तुम ही बनोगी. मैं तो तुम्हारा एडवाइजर बनूंगा, मुझे उधर लक्षद्वीप में एक आइलैंड दे दे.
माय विल इज दैट, मेरी इच्छा ये है कि आप आईएएस के भी, मोस्ट ऑफ अस बिलोंग टू मिडिल क्लास, सो फॉर अस द इजिएस्ट वे इज टू क्रिएट द सोशल आइडेंटिटी इज ब्यूरोक्रेसी. मैं ये चाहता हूं कि जब आप यहां पे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, तो तुम कहीं डिस्ट्रैक्ट मत हो और आइडियलिज्म तो बिल्कुल फॉलो मत करो. वंस यू लूज योर गेम विल बी ओवर. आई वॉज वेरी लकी टू मेक अ कमबैक. तो मैं हमेशा ऐसी बातें आपको बोलता हूं ना कि आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो. वंस यू क्वालिफाई आप चले गए अंदर आईएएस बन के, आपने काम करप्शन नहीं, हम बड़े अच्छे आदमी सर, आप इतना मतलब बुरी तरह से लाइफ जिएंगे, आप एकदम सिस्टम के साथ चलिए और कोशिश करिए कि आगे बढ़ते रहिए. जैसे अरविंद केजरीवाल सीएम बन गया, पीएम का सपना देख रहा है. स्टोरी कहां से शुरू की? ब्यूरोक्रेसी से. जब तुम पावर में होते हो और आइडियल होते हो तब समाज का भला होता है. वेन यू आर पावरफुल एंड यू आर आइडियल गुड, देन इट बिकम्स बेनिफिशियल टू द सोसाइटी. जैसे फॉर एग्जाम्पल टुमारो यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एंड देन यू से कि करप्शन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो उस पोजिशन में यू कैन डू सर्टन थिंग्स. तुमने जितने भी टॉप लेवल का ऑफिसर है, हिंदुस्तान में ईमानदारों की कमी है? बिल्कुल नहीं. तुम्हें करना क्या है कि जितने बड़े लेवल के ऑफिसर्स हैं टॉप लेवल के, वहां पे तुम अच्छे लोगों को बिठा दो, फिर डाउन फिल्ट्रेशन थियरी. लेकिन अगर एक क्लर्क चाहे कि मैं ईमानदार होकर सबको बदल दूं, तो वो कभी नहीं कर पाए. तो ये मैं कह रहा था तुमसे कि मारना तो है वो, तो उसमें तो कोई वही नहीं है, फिर कमाओ नहीं और खूब पैसा कमाओ, नहीं तो तुम पीएम बनोगे कैसे? पहले तुम शक्ति ताकत का जो अर्जन है ना, दैट मतलब यू हैव द फर्स्ट प्रायोरिटी इज यू हैव टू कम इनटू पावर. आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल, बड़े सारे लोगों को मैंने देखा, बिकॉज ऑफ आइडियलिज्म दे डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ. तो आइडियलिज्म इज गुड व्हेन यू आर इन पावर.